हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक इलेक्ट्रिकल। टुडे वी विल डिस्कस हाउ थ्री फेज मोटर इन ट्रेन रन्स विद सिंगल फेज सप्लाई। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेन में कौन सी मोटर यूज होती है। तो आपका आंसर होगा थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ट्रेन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है। तो इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपने सीधा सीधा बता देना थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो जो ओवरहेड लाइन होती है वो 25 केवी की होती है। ठीक है, तो उसके साथ एक हैंगिंग वायर लगाई जाती है। ठीक है, ये हैंगिंग वायर लगाई जाती है। तो मान लीजिए ये ट्रेन का इंजन है। ठीक है, तो पेंटोग्राफ की हेल्प से ये सप्लाई जो 25 केवी ट्रांसफार्मर में आती है। ठीक है, ये मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो सर्किट ट्रांसफार्मर का कंप्लीट होता है अर्थिंग करने पर, ठीक है, यहां पर कुछ पोर्शन छोड़कर अर्थिंग की होती है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो फर्स्ट जो यूज होता है हमारा ट्रांसफार्मर वो होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप है, तो जहां पर जो सप्लाई आउटपुट आती है वो चली जाती है रेक्टिफायर में। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, जो सप्लाई होती है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, तो नेक्स्ट जो जहां पर सर्किट लगा हुआ है वो है रेक्टिफायर। इसकी हेल्प से जो एसी सप्लाई होती है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एसी टू डीसी। तो नेक्स्ट जो सप्लाई आती है वो अगेन फिल्टर सर्किट में कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो जो जहां पर कैपेसिटर लगा होता है इसकी हेल्प से जो डीसी सप्लाई है वो प्योर हो जाती है। ठीक है, जहां पर हमें प्योर डीसी सप्लाई मिल जाती है, ये फिल्टर सर्किट होता है। अगेन जो आउटपुट आती है उसे हम इन्वर्टर में लगा देते हैं। ठीक है, इन्वर्टर की हेल्प से क्या होता है, जो सप्लाई होती है हमारी डीसी उसे वो अगेन एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो वो होती है हमारी थ्री फेज एसी सप्लाई। तो इसकी हेल्प से हम अगेन मोटर को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी सारी प्रोसेस। तो जहां पर मैंने दो पॉइंट मेंशन किए, थर्ड आ गया हमारा फिल्टर सर्किट, तो फोर्थ पॉइंट आ गया इन्वर्टर। ओके, जहां पर ट्रांसफार्मर ने 25 केवी को स्टेप डाउन कर दिया, तो रेक्टिफायर ने एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट जो सप्लाई आई वो फिल्टर सर्किट में चली गई, जहां पर प्योर डीसी में आउटपुट मिली। तो जो आउटपुट आई वो अगेन इन्वर्टर में फेड की गई। तो जो आउटपुट इन्वर्टर ने दी वो थ्री फेज आउटपुट सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी प्रोसेस कर सकते हैं। इसको हम पेंटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पेंटोग्राफ की हेल्प से जो 25 केवी सप्लाई होती है वो ट्रांसफार्मर में फेड होती है। ठीक है,
तो इसे हम बोलते हैं पेंटोग्राफ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।